लाइंस पर। अगस्त तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का किया जाएगा आयोजन। प्रधान जिला जज डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इससे संबंधित दी जानकारी। कहा ज्यादा से ज्यादा हो प्रचार प्रसार। बकरीद त्योहार को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की हुई बैठक। पदाधिकारियों ने शांति और सौहार्द के साथ पर्व मनाने के लिए लोगों से की अपील। कहा सुरक्षा व्यवस्था का रहेगा पुख्ता इंतजाम। सोशल मीडिया पर रहेगी खास नजर। और सदर प्रखंड के विभिन्न डीलरों के मनमानी को लेकर भाकपामाले नेताओं ने डीसी ऑफिस पहुंचकर डीएसओ के नाम सौंपा ज्ञापन। कई कार्डधारी भी रहे मौजूद। कहा डीलरों द्वारा किया जाता है राशन चोरी। सुधार नहीं होने पर किया जाएगा उग्र आंदोलन। विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर शनिवार को नया परिसदन भवन में जिला जज डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान आपसी सहमति व समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा, इस पर विचार विमर्श किया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उपायुक्त की संयुक्त अध्यक्षता में नए परिषदन भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विशेष लोक अदालत की तैयारी को लेकर शनिवार को नया परिषदन भवन में जिला जज डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। इस दौरान आपसी सहमति व समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु एवं जन जन तक इसका प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष मनोज प्रसाद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस विशेष लोक अदालत में संबंधित पक्षकार सशरीर अथवा वर्चुअल तरीके से इसमें शामिल हो सकते हैं। इन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील करते हुए कहा कि इस सुनहरे अवसर पर लाभ उठाकर अपने मामलों का निष्पादन करवाएं। बताया गया कि 29 जून को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय परिसर गिरिडीह में भूमि एवं राजस्व संबंधी मामले, मुआवजा मामले, विस्थापन मामले एवं बैंक मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए एक दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जो हमारा नालसा है और झारखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके निर्देश पर रेवेन्यू लोक अदालत 29 जून को निर्धारित किया गया है और राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई को निर्धारित किया गया है। इस बीच 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एक लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे केसेस को आइडेंटिफाई करके भेजा गया है हर एक जिला में, हर एक राज्य में। हमारे गिरिडीह में भी तीन मामला अभी तक पहचान किया गया है। तो इन सभी लोक अदालत के लिए ही ये प्रयास है हम लोगों का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। हर तरह का मामला इसमें कराया जा सकता है, जिसका कि सुलह के आधार पर निर्णय हो सके। ऑनरेबल नालसा और ऑनरेबल झालसा की निमित्त हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालसा के विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। उसी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है लोक अदालत, जो कि नियमित अंतराल पे होता है। इसी के तहत हम लोग 29 जून को रेवेन्यू रिलेटेड स्पेशल लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। 13 जुलाई को अन्य सभी जो मामले हैं, जो कि समझौता के प्रकार के हैं, उसका सुलह और समझौता जो विभिन्न पार्टीज जो हैं, चाहे वो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं और जो प्राइवेट पर्सन हैं या अन्य ऑर्गेनाइजेशन, उनके बीच ये मामला टेकअप किया जाएगा। और जो तीसरा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 29 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक भी स्पेशल लोक अदालत, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो मामले हैं, उनको टेकअप किया जाएगा। बकरीद पर्व को लेकर शनिवार को नया परिसदन भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अधिकारियों ने भाग लिया।
बकरीद पर्व आने को है, जिसे शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाना है, जिसको लेकर नया परिषदन भवन में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको, अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी, सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी व शांति समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए, साथ ही शांति समिति के सभी सदस्यों से सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की अपील की गई। उपनगर आयुक्त विशाल दीप खलको ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार मनाया जाना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। वहीं बकरीद की नमाज के लिए जिले के विभिन्न मस्जिदों में नमाज अदा करने की समय की भी जानकारी दी गई। उन्होंने बकरीद के दिन पूरे शहरी क्षेत्र में साफ सफाई करने का निर्देश दिया और पेयजल विभाग को निर्देश दिया कि क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था समुचित रखेंगे। बिजली विभाग के अधिकारियों से बिजली की व्यवस्था अच्छी रखने की अपील की, ताकि बकरीद के दिन लोगों को परेशानी नहीं हो। बताया गया कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर संबंधित व्यक्ति, पेज और ग्रुप एडमिन पर कार्रवाई की जाएगी। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में समाज कल्याण विभाग, भू अर्जन राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभाग की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में शनिवार को डीसी ऑफिस सभागार में विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में समाज कल्याण विभाग, भू अर्जन राजस्व विभाग, परिवहन विभाग, आपूर्ति विभाग, मनरेगा, ग्रामीण विकास, श्रम विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य विभागों की समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपायुक्त ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया और योजनाओं के क्रियान्वयन एवं लाभुकों को लाभान्वित करने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नसीहत दी। कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाए एवं प्रगति सुनिश्चित करें। इसके अलावा सभी विभागों को योजनाओं में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही म्यूटेशन को लेकर सभी अंचल अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्टमेंट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गॉल ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 99551 5 2065।
अब आपके शहर गिरिडीह के मेन रोड में खुल चुका है पाकिजा फैशन, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप अपने परिवार के सभी लोगों को देना चाहते हैं नए लुक के साथ नए फैशन की फैंसी ड्रेस, वो भी ब्रांडेड कंपनियों के उत्पाद, तो आपका स्वागत है पाकिजा फैशन में। हमारे यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट डिजाइनों की भरमार, मन चाहे रंगों व सभी साइजों में। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज व जेंट्स वेयर की विशाल रेंज में रेडीमेड कपड़ों के साथ टेक्सटाइल्स के फैब्रिक्स उपलब्ध है। इसके साथ ही महिलाओं, युवतियों व आपके प्यारे नन्ही परियों के लिए क्रॉप टॉप, गाउन, वन पीस, टू पीस, सूट पीस, फ्रॉक, लॉन्ग फ्रॉक, कुर्ती व हर प्रकार की साड़ियों के साथ पार्टी वेयर मटेरियल्स उपलब्ध है। इसके अलावा पुरुषों व युवकों के लिए कैजुअल, फॉर्मल व डेली यूज के रेडीमेड वस्त्रों के शानदार कलेक्शन में शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर, जीन्स के अलावा सूटिंग शर्टिंग में रेमंड्स, अरविंद, रेड एंड टेलर, लिनन क्लब, सिया रामस के विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक्स फुल रेंज में मिलता है। इतना ही नहीं, आपके नन्हे मुन्ने के लिए सभी लेटेस्ट डिजाइन व साइज में किड्स वेयर भी उपलब्ध है। साथ ही हर एक त्योहारों एवं शादी पार्टी खरीदारी पर विशेष छूट दी जाती है, तो देर ना करें और हमें सेवा का मौका दें, विशेष छूट का लाभ लें। हमारा पता पाकिजा फैशन, चंदूरी रोड के सामने, मेन रोड गिरिडीह, या संपर्क करें 9097282345 या 7903488959 पर। आपकी मुस्कान ही हमारी पूंजी है। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर, यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिसर, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बर रोड, जीडी बगेड़ी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बकरीद पर्व को शांति सौहार्द के साथ मनाने को लेकर गांडे में शांति समिति की बैठक की गई तथा किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न देकर प्रोटोकॉल का पालन कर बकरीद का त्योहार शांति सौहार्द माहौल में मनाने को लेकर अपील किया गया। गांवा थाना परिषद में आगामी बकरीद त्योहार को ले शनिवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महेश चंद्र ने किया। बैठक में बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। मौके पर माली सचिव नागेश्वर यादव, बी सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, इमरान अंसारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हई कुमार, जयराम यादव, सुधीर शर्मा, प्रकाश राम, अमित कुमार, रणधीर चौधरी, अंकज सिंह, चंदन यादव, निरंजन सिंह, मिराजुद्दीन, विवेक कुमार, सफदर अली, सोनू कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। और साइकिल में टांगा रहे वो चेलू लेकर के तो पूरा चमड़ा चमड़ा लगा शुरू से लेके आज तक जैसे सर आप लोगों के उसी आज भी चल रहा है। लेकिन एक चीज से तुलना कीजिए, अगर कोई महंगाई नहीं है सोना से आप तुलना कीजिए। गांवा थाना परिषद में आगामी बकरीद त्योहार को ले शनिवार को शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महेश चंद्र ने किया। बैठक में बकरीद त्योहार को शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी ने कहा कि पर्व के दौरान असामाजिक तत्वों पर प्रशासन की पैनी नजर रहेगी। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। मौके पर माली सचिव नागेश्वर यादव, बी सूत्री अध्यक्ष अजय सिंह, सांसद प्रतिनिधि श्रीराम यादव, इमरान अंसारी, मुखिया संघ के अध्यक्ष कन्हई कुमार, जयराम यादव, सुधीर शर्मा, प्रकाश राम, अमित कुमार, रणधीर चौधरी, अंकज सिंह, चंदन यादव, निरंजन सिंह, मिराजुद्दीन, विवेक कुमार, सफदर अली, सोनू कुमार सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव प्रखंड में विद्युत व्यवस्था एवं लो वोल्टेज की समस्या से उपभोक्ता अब सड़क पर आंदोलन करने को विवश है। आपको बता दें कि ग्रामीणों द्वारा बिजली विभाग को सूचित किया गया एवं संपर्क साधने का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ, जिस कारण आक्रोशित लोगों ने आंदोलन शुरू किया। जून की इस तपती गर्मी से लोग परेशान है। ऐसे में राहत में उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बिजली से ही चल पाते हैं। ऐसे में लचर बिजली व्यवस्था लोगों के परेशानी का कारण बन जाती है।
गांव प्रखंड में भी इन दिनों कुछ ऐसा ही हाल है, जहां उपभोक्ता लचर विद्युत व्यवस्था और लो वोल्टेज की समस्या से परेशान होकर सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। बिजली नहीं रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई से लेकर पेयजल संकट एवं किसानों को सिंचाई तथा तकनीकी उपकरण महज शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। इस गर्मी में पंखा, कूलर, टीवी कुछ भी नहीं चल पा रहा। बिजली विभाग की दुर्दशा को देखते हुए शनिवार को ग्रामीणों के द्वारा गदर पंचायत स्थित पावर ग्रिड का घेराव किया गया। वहीं मुखिया प्रतिनिधि मकसूद आलम ने बताया कि पावर ग्रिड गांव में रहने के बावजूद भी लोगों को समुचित बिजली व्यवस्था प्राप्त नहीं होता है। गर्मी से जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया। कई बार बिजली विभाग को सूचित किया गया, परंतु कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ग्रामीण मिलकर धरना प्रदर्शन पर उतर आएंगे। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि मकसूद आलम, मदन साव, अनिल माली, दिनेश शर्मा, कामेश्वर मिस्त्री, शंभू साव, भीम चौधरी सहित कई लोग उपस्थित थे। बिजली विभाग के तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिजली विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। बिजली विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। बिजली विभाग के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बिजली विभाग हाय हाय, हाय हाय हाय। एपीओ हाय हाय, हाय हाय हाय। एपीओ हाय हाय, हाय हाय हाय। बिजली विभाग बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटीशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, ओथी प्लस इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनो प्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारी ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571, 06532356150। आपके शहर गिरिडीह में खुल गया है बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपके हर प्रकार के आयोजन की समुचित व्यवस्था के साथ, जैसे शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, हर प्रकार के छोटे बड़े पार्टी के आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह। हमारे यहाँ आपको मिलता है 1000 से 1200 लोगों के क्षमता वाली जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल में सुसज्जित एसी कमरे, शानदार पार्टी हॉल, पार्क, आर्टिफिशियल झरना, विशाल किचन, सभी प्रकार के व्यंजनों को बनाने व सर्व करने के सभी बर्तन, फैंसी टेबल कुर्सियाँ, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था, 2400 घंटे बिजली पानी, वाईफाई से लेस जयपुरिया गार्डन बैंक्वेट एंड मैरिज हॉल। साथ ही अप्रैल से जून तक की बुकिंग पर ₹5000 का विशेष छूट भी दिया जा रहा है। बुकिंग स्टार्ट नाउ। हमारा पता जयपुरिया गार्डन, 7 नंबर रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, निकट डुमरी रोड, कोल्डिहा, गिरिडीह। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन में दिए नंबर पर कॉल करें। गिरिडीह पचम्बर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट, मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस,
स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय गर्मी से सभी परेशान हैं, वहीं शनिवार को शहर के भंडारी डी के 8 नंबर अल-हबीब राजा मस्जिद रोड में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम जल्द से जल्द पानी का सप्लाई शुरू करे, अन्यथा लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। इस समय गर्मी से सभी परेशान हैं, वहीं इस गर्मी ने कई जगहों पर पानी की समस्या उत्पन्न कर दी है। वहीं शनिवार को शहर के भंडारीडीह के 8 नंबर अल-हबीब राजा मस्जिद रोड में पानी की किल्लत से लोग परेशान दिखे। वहीं लोग नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे। बताया गया कि इलाके में लगभग एक सप्ताह से पानी की सप्लाई बंद है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। बता दें कि जहां इस भीषण गर्मी में पारा 42 डिग्री के ऊपर पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर पानी सप्लाई नहीं होने से लोगों में हाहाकार मच गया है। आलम यह हो गया है कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम जल्द से जल्द पानी का सप्लाई शुरू करे, अन्यथा लोग इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। मौके पर मोहम्मद तस्लीम, मोहम्मद साबिर शेख, मोहम्मद कमरान, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद गब्बर आदि लोग मौजूद थे। नहीं मिल रहा है, कौन जोर से बोल, पानी खतील इधर उधर हम लोग जा रहे हैं। कब से नहीं आ रहा पानी? कब से नहीं आ रहा पानी? चार पाँच वर्ष से एक जरा नहीं रहा, लेकिन 5 महीने से हम लोग पानी बाहर से ला रहे हैं। रमजान के पहले से हम लोग पानी ढो रहे हैं, हम लोग की हालत खराब हो गया पानी ढोते ढोते। पानी की समस्या सर बहुत है, और पानी की समस्या इतना है कि आने वाला कल 2 मंगलवार को, कल है सोमवार को, और हम लोग एकदम बेराज देख लीजिए यहाँ पर आके इस हालत से हम लोग रह रहे हैं। एक चुरू पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप? पानी हम लोग को आना चाहिए और बहुत जबरदस्त। कहाँ का मामला है ये? मामला भंडारी 8 नंबर। 8 नंबर का पानी का समस्या, पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। कब से नहीं आ रहा पानी? एक हफ्ता दो से। एक हफ्ते में रोजा नहीं, रोजा वाला चलो ना, रोजा लाना इधर ज्यादा परेशानी है। कहाँ का मामला है ये? यहीं के बना रहे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहां रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहां उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहां सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहां से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहां है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में, तो होलसेल रेट में हमारे यहां करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहां कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें।
श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थि रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहां ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीओडी, ग्रीडी। राशन चोरी की शिकायत से संबंधित एक ज्ञापन भाकपा माले नेताओं ने पपरवाताड़ स्थित डीएसओ कार्यालय में दिया और चोरी को गंभीर समस्या बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन शुरू करेगी। राशन डीलर राशन चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हर क्षेत्र में डीलर अपनी मनमानी करते नजर आते हैं। इसी राशन चोरी की शिकायत से संबंधित एक ज्ञापन शनिवार को माले नेताओं ने पपरवाताड़ स्थित डीएसओ कार्यालय में दिया। इस दौरान भाकपा माले नेता राजेश यादव ने बताया कि लगातार राशन चोरी करने वाले डीलरों को बर्खास्त किया जाए और कार्ड धारकों को सुविधानुसार राशन मिले, अन्यथा भाकपा माले आंदोलन शुरू करेगी। बताया गया कि गिरिडीह सदर प्रखंड में एक डीलर द्वारा बाट के स्थान पर ईंट का उपयोग कर वजन करते पाया, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरह से गरीबों के राशन का गोलमाल किया जा रहा है। कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर इन डीलरों का मनोबल और बढ़ जाएगा। मौके पर मुख्य रूप से मनोज यादव, बबलू मुर्मू, विजन हाजरा, कन्हैया सिंह, रोहित यादव, चंदन कुमार यादव, सफीफ अंसारी, पंकज वर्मा, नूनू लाल महतो सहित अन्य मौजूद थे। इस आधुनिक युग में हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में लगे हुए हैं, जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग और कई चीज़ों की खरीदारी करने में कार्ड का उपयोग करते हैं। वहीं भारत में कार्ड की बात की जाए तो क्रेडिट कार्ड का चलन काफ़ी बढ़ गया है। आज हर दूसरे व्यक्ति के पास क्रेडिट कार्ड अवश्य होता है। अगर आप भी उन सब में आते हैं जो क्रेडिट कार्ड का उपयोग ऑनलाइन शॉपिंग और रोजाना की जरूरत के लिए करते हैं तो उनके लिए एक बुरी खबर है। दरअसल 15 जुलाई 2024 से एक नया नियम लागू होने जा रहा है। अगर आप SBI क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो अब आप कार्ड पर मिलने वाले पॉइंट्स का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि SBI ने अपने नियम में बदलाव करके कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को हटा दिया है। बता दें कि रिवॉर्ड पॉइंट्स बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड धारकों को उनके क्रेडिट कार्ड पर हर बार खर्च करने पर मिलने वाला इनाम होता है, जिसका उपयोग कर वे अलग अलग ऑनलाइन खरीद पर डिस्काउंट प्राप्त करते हैं, जिनमें उन्हें उपहार वाउचर, हवाई यात्रा पर लाभ, मूवी टिकट पर लाभ आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। आज के अंत में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत, नमस्कार।